महाराष्ट्र और गुजरात की सबसे फेमस मिठाई श्रीखंड। तो आज माधुरी किचन में मैं बनाने जा रही हूँ श्रीखंड। ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब। श्रीखंड बनाने में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं जो तरीका आज आप सबको बताऊँगी उससे आप श्रीखंड मार्केट से ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर गाढ़ा दही। ये घर का जमाया हुआ दही है। ये पूरा 1 लीटर दूध का दही है। अब हम इसे हंग कर्ड बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल लिया है और उसके ऊपर रखी है मैंने छन्नी को। छन्नी के ऊपर मैंने एक मलबल का कपड़ा रखा है, इसे डबल करके रखा है। और इसकी जगह पर आप चाहें तो कॉटन की चुन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम पूरी दही डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पानी धीरे धीरे निकल रहा है। करीब 10 से 15 मिनट बाद आप इसके ऊपर वजन रखें। तुरंत वजन न रखें क्योंकि दही बाहर निकल सकता है। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे थोड़ा वजन रखेंगे और इसे करीब 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये होगा कि दही खट्टी नहीं होगी और 12 घंटे के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा दही बिल्कुल पनीर की तरह हो जाएगा। दही में से सारा पानी निकल जाए तभी इसका अच्छा श्रीखंड बनता है। इस पानी से कढ़ी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो दही को बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसे फेंटेंगे। वैसे तो इसे ट्रेडिशनल तरीके से हाथों से मसला जाता है जिससे इसका फैट रिलीज़ हो, पर इसे आप विस्कर से इतना फेंटें कि ये प्लफी हो जाए और चिकना सा हो जाए। इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है 3 से 4 टेबल स्पून दूध की फ्रेश मलाई। इसे अच्छे से मिलाकर फेंटेंगे और मिक्स करने के बाद डालेंगे 4 टेबल स्पून पाउडर शुगर। गुजरात और महाराष्ट्र में कई जगहों पर इसे गुड़ की चीनी के साथ बनाया जाता है। वैसे तो मैं वाइट बना रही हूँ, केसर वाला देखने में बिल्कुल प्लफी और क्रीमी लग रहा है। एक साइड पर मैंने दूध को गर्म करके थोड़े से दूध में कुछ केसर डाल के रख दिया था और कुछ पिस्ता को भी पानी में भिगो कर रख दिया था जिससे इसका छिलका आसानी से उतर जाए। इसे मैं 2 कलर में बनाकर दिखाऊंगी, एक वाइट और एक केसरिया। तो कटोरे में निकालेंगे श्रीखंड और इसे सर्व करेंगे। इसके ऊपर सजाएंगे थोड़ा सा केसर का दूध और थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डालेंगे। इसे अच्छा लुक देने के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। अब बाउल में जो थोड़ा सा श्रीखंड बचा हुआ है उसमें डालेंगे केसर वाला दूध। ज़्यादा न डालें वरना पानी पानी हो जाएगा। इसे मिक्स करें और सर्व करेंगे। इसे भी थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों के साथ सजाएंगे। श्रीखंड बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी है। इसे आप सब एक बार ज़रूर बनाएं। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खाएं, खेलें और खुश रहें।